दोस्तों कहा जाता है कि ये जो ट्राइपॉड है ये द चीपेस्ट एंड द बेस्ट बिल्ड क्वालिटी ट्राइपॉड है कि नहीं, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हो हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैंड जी पे। इस चैनल में हम न्यूज़, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। आज का जो वीडियो है वो अनबॉक्सिंग वीडियो है, और अगर आपको नहीं पता कि इस चैनल में हम अनबॉक्सिंग वीडियोस भी लाते हैं तो आप मेरा प्रीवियस प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग किए हुए रखे हैं। तो दोस्तों आज जिस प्रोडक्ट का करने जा रहा हूँ अनबॉक्सिंग, उस प्रोडक्ट का नाम है डिजिटेक DTR 550 LW ट्राइपॉड, और कहा जाता है कि ये एक द चीपेस्ट एंड द बेस्ट क्वालिटी ट्राइपॉड है। तो मेरे पास अभी कुल मिला के 3 ट्राइपॉड है। पहला स्नैपडील वाला जो अभी शूट हो रहा है, जिस ट्राइपॉड से आप वीडियो देख पा रहे हो जिससे शूट हुआ है, वो था स्नैपडील से, और स्नैपडील से ये करीब 1.5 ईयर हो चुका है और उसमें नो कंप्लेंट्स है, नो ब्रेकेज, नथिंग, बहुत फाइन चल रहा है। तो अगर आप वीडियो बनाते हो या बनाने की सोच रहे हो और आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत है तो आप वो अनबॉक्सिंग वीडियो देख सकते हो, ऊपर लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करके आप वो स्नैपडील वाला अनबॉक्सिंग का वीडियो देख सकते हो। और सेकेंड जो है वो है, मेरे पास एक छोटा सा पोर्टेबल ट्राइपॉड था, ये यूवी जी मार्ट की तरफ से आया था मुझे, तो इसे कैसे हैंडल करते हैं उस और इसका अनबॉक्सिंग भी मैंने किया था। तो इस ट्राइपॉड के अनबॉक्सिंग का जो वीडियो है वो दिया हुआ रहेगा वीडियो के एंड स्क्रीन में, तो आप उसे भी देख सकते हो। तो मेरे पास कुल मिला के अभी जैसे कि मैंने कहा कि 3 ट्राइपॉड है। तो कहा जाता है कि ये ट्राइपॉड चीपेस्ट एंड द बेस्ट क्वालिटी है, तो अनबॉक्सिंग करने पे ही पता चलेगा कि बिल्ड क्वालिटी में क्या है क्या नहीं, मगर उससे पहले हम देख लेंगे इस प्रोडक्ट का स्पेक्स। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यही कहूँगा कि अगर आप नए हो चैनल में और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे नेक्स्ट वीडियोस की। तो चलिए पहले इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशंस चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए चेक कर लेते हैं डिजिटेक DTR 550 LW ट्राइपॉड का स्पेसिफिकेशंस। तो हाइलाइट्स में सबसे पहले देखिए, डिजाइन पर DSLR SLR कैमरा, वीडियो कैमरा, टेलीस्कोप, एडवांस पॉइंट एंड शूट कैमरा, लोड कैपेसिटी 5000 ग्राम, हाइट रेंज 62 mm से 170 mm, नंबर ऑफ लेग सेक्शंस है 3, मटेरियल एल्युमिनियम। डिस्क्रिप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ऑपरेटिंग हाइट है 1700 mm यानी कि 5.57 feet, अप्रॉक्स 5.6 feet। वेट है 1200 ग्राम। अब आते हैं जनरल स्पेसिफिकेशंस में। तो सेल्स पैकेज में आपको मिलेगा ट्राईपॉड और ट्राईपॉड बैग, इंडिपेंडेंट लेग स्प्रेड यस पैक 1, और डिमेंशन में वेट है 1200 ग्राम यानी 1.2 kg, और वारंटी भी दिया हुआ है। तो दोस्तों ये इतना बड़ा है देखिए साइज में कि ये पूरा फिट नहीं हो रहा है स्क्रीन में। तो इसका रैपर मैंने खोल लिया है अभी सबसे पहले, ये देखिए तो बहुत अच्छा पैकिंग से आया है और यहाँ डिजिटेक लिखा हुआ है जैसा आप देख पा रहे हो। तो खोलते हैं, पहले इसे निकालते हैं। तो रैपर मैंने खोल लिया है। हाँ ये प्रोडक्ट मुझे आया है फ्लिपकार्ट की तरफ से। अगर आप प्रोडक्ट चेक करना चाहते हो तो डिजिटेक DTR 550 LW ट्राइपॉड लिखने से ही आपके पास जो है पेज है जो प्रोडक्ट का वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे बस एक रिसीट है जैसा आप देख पा रहे हो। तो मैं इसे करता हूँ साइड और प्रोडक्ट आपके सामने है, ये देखिए डिजिटेक लाइटवेट ट्राइपॉड DTR 550 LW ब्लैक कलर का है। तो प्रोडक्ट को खोलते हैं पहले, बहुत ही बड़ा है साइज में। भीतर देखते हैं क्या क्या आया है इसके साथ। भीतर और एक पैकेजिंग आया है और एक पैकेट से रैप्ड है, तो उस पैकेट को भी खोल देता हूं। तो बैग के साथ आया है कैरी केस, और ये बैग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जैसा आप देख पा रहे हो, ये देखिए। और साथ में है चेन भी दिया हुआ है, जिप जिसे कहते हैं,
तो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का बैग आया हुआ है, तो कैरी करने में बहुत ही आसानी होगी इस ट्राइपॉड को। आप ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आपका जो कैरी केस है वो अच्छा नहीं होता है तो ट्राइपॉड को कभी कभार बैग में ओपन कैरी करना पड़ता है, मतलब कैरी केस को हटा के। तो ये कैरी केस ऐसा है कि आप इसे कंधे पे लेके भी आराम से घूम सकते हो। तो खोलते हैं इसे। और कैरी केस को मैं हटा देता हूँ। और एक प्लास्टिक कवर से रैप, तो पैकेजिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया है फ्लिपकार्ट की तरफ से, और भीतर वाला तो कंपनी की तरफ से होता है, तो कंपनी की तरफ से बहुत अच्छा कोटेड दो प्लास्टिक कवर्स में आया है इन टोटल। तो ये रहा वो ट्राइपॉड, और इसका जो वेट है वो भी जैसे दिया हुआ था 1200 ग्राम्स का है, तो 1.2 केजी, तो वैसा ही भारी भी है। और जो इसके लेग्स है वो भी बहुत बड़े हैं, तो आपको दिखा देता हूँ जल्दी में कि जो फंक्शनैलिटीज़ है वो क्या रहती है। तो ये जो पीसेस है इसे कहते हैं कीज़, तो इन कीज़ को जब आप खोलते हो इस तरीके से तो इसे आप लेन देन कर सकते हो। इसी तरीके से एक ट्राइपॉड खोल माउंट होता है। तो ये है कि अब मेन जगह में चलता हूँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे माउंट हो जाएगा अपना कैमरा। ये जो ट्राइपॉड है ये DSLR के लिए भी सपोर्टेड है, और अगर आपको मोबाइल इसमें रखना है तो मोबाइल के लिए भी ये सपोर्टेड है, मगर इसके लिए आपको लगेगा एक क्लिप होल्डर, मोबाइल क्लिप होल्डर। तो मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल क्लिप होल्डर कैसा दिखता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो इस तरीके का कुछ क्लिप होल्डर आपको लगेगा, और यहाँ पे जब आप माउंट कर दोगे उसे, तो आप जब इसे माउंट कर दोगे तो आप वहाँ मोबाइल भी अपना माउंट कर सकते हो और आराम से वीडियो ले सकते हो। मगर DSLR कॉम्पेटिबल है क्योंकि बहुत ही हैवी वेट का ही है, लाइट वेट लिखा हुआ है मगर 1.2 kg मीन्स इट्स अ लॉट। तो बहुत ही, जैसा मैंने कहा कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो पहले दो मेरे पास जो ट्राइपॉड हैं अभी उनसे बहुत ही ज़्यादा डबल अगर कहूँ वेट का है। और इससे आप करते हो, ये जो है इससे आप स्लाइड करते हो ऊपर नीचे, और इसे अगर आप खोलो चाहे तो इसे आप ऐसे टिल्ट कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो बहुत स्मूथ है, जैसे कि यहाँ पे एक रोटेटिंग भीतर एक व्हील टाइप का है, तो बहुत ही अच्छा जो है वो बिल्ड क्वालिटी है इसका। तो कीज़ को छोड़ के और अगर दिखाऊं तो माउंट का एक रहता है कि कितना हाईएस्ट अमाउंट तक माउंट हो सकता है, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि कितने हाइट तक ये माउंट होता है, एक्चुअली कितने हाइट तक वो जाता है। ऐसा है कुछ ये ट्राइपॉड। तो आगे चलते हैं और इसे पूरा माउंट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से बना है या किस तरीके का दिख रहा है। दोस्तों मेरा हाइट है 5 feet 8 inches, और इस ट्राइपॉड को माउंट करने के बाद ये करीब करीब मेरे हाइट का तो हो ही चुका है, तो ये करीब करीब 5 feet 6 inches का तो होगा ही। और जिस तरह का क्वालिटी बिल्ड है इसके, जो लेग्स है इसका जो क्वालिटी बिल्ड है, इस पर बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर सकते हो, मतलब कि इसके ऊपर DSLR आराम से कंपेटिबल होगा, और हैवी DSLRs भी जिनके वेट ज़्यादा होंगे वो भी इस पर कंपेटिबल होगा।
और अब बात कर लेता हूँ कॉस्ट का। तो साथ ही कह देना चाहता हूँ कि ये जो एरिया कवर करता है और जितना जगह लेके ये खड़ा होता है ये ट्राईपॉड, वैसा नॉर्मली कोई ट्राईपॉड इतना स्ट्रॉन्ग होता है नहीं। क्यों कह रहा हूँ, ये कारण है इसका प्राइस। और इसका प्राइस, अब कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, इसका प्राइस है 1499। मुझे ये आया था फ्लिपकार्ट की तरफ से, और आप भी फ्लिपकार्ट में जाके डिजिटेक DTR 550 LW ट्राईपॉड लिख के खोज सकते हो। इस क्वालिटी का ट्राईपॉड इतने चीपेस्ट रेट में, बेस्ट क्वालिटी ट्राईपॉड आपको नहीं मिलेगा। इतना अच्छा बिल्ड क्वालिटी है इसका, इस प्राइस रेंज में आपको इस तरीके का, इस क्वालिटी का ट्राईपॉड मिलना पॉसिबल नहीं। तो ग्रैब इट अगर आप वीडियो करते हो और फ्यूचर में और वीडियो बनाना चाहते हो और आपको एक अच्छे ट्राईपॉड की तलाश है, तो ये ट्राईपॉड है, इस ट्राईपॉड को यूज़ करो, डिजिटेक DTR 550 LW।